स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर 3 इंडिया द लैंड फीचर्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वी लिव इन विच कंट्री। वी लिव इन इंडिया। इंडिया इज़ आवर कंट्री, मीन्स हम लोग इंडिया में रहते हैं। वी लिव इन इंडिया एंड भारत हमारा देश है। एंड टुडे वी विल नो अबाउट द लैंड फीचर्स ऑफ इंडिया। This is the chapter number 3, and during this chapter what we will learn, the vastness of India, means India जो है कितना vast है, कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है। Second one is the physical features of India, means यहाँ का जो physical features है वो देखने में कैसा है वो जानेंगे। And third one is its rivers and icelands, यहाँ पे जो कितनी सारी rivers हैं, island हैं, means कितने सारे नदियाँ हैं और द्वीप हैं, island islands. Now India is a big country, जैसा कि बताया गया है। the vastness of, we have to know about the vastness of India, and we should know India is a very big country. How much big? This is the 7th largest country in the world, means India जो है 7th largest country है, means दुनिया में जितने भी देश हैं, there are more than 200 countries in the world, और उसमें से 7th लार्जेस्ट कंट्री है, सातवां सबसे बड़ा देश इंडिया है। और ये कितना बड़ा है ये हम इस लाइन में जानेंगे। फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रीड इट इन द मैप, वी कैन नो द डायरेक्शन। अपर साइड इज़ नॉर्थ, डाउन साइड इज़ साउथ, राइट साइड इज़ ईस्ट, एंड लेफ्ट साइड इज वेस्ट डायरेक्शन। फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। दिस साइड इज़ कश्मीर, दिस साइड इज कन्याकुमारी। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज साउथ। अप साइड इज नॉर्थ, डाउन साइड इज साउथ। दिस इज कश्मीर, दिस इज कन्याकुमारी, मीन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी द लेंथ इज 3200 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर टू हेयर टोटल लेंथ इज 3200 किलोमीटर। एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, दिस इज़ गुजरात एरिया एंड दिस इज़ वेस्ट। डायरेक्शन वाइज दिस इज़ द सेंटर। इफ यू गो दिस साइड लेफ्ट साइड दिस इज़ वेस्ट, इफ वी गो राइट साइड दिस इज ईस्ट। मीन्स फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, दिस इज़ वेस्ट साइड, टू द ईस्ट दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश। दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज़ अराउंड, डिस्टेंस इज़ अराउंड 3000 किलोमीटर। नाउ यू थिंक हाउ बिग इज़ इंडिया। दिस इज़ 3200 किलोमीटर एंड दिस इज़ 3000 किलोमीटर, मीन्स इंडिया इज सो बिग। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ अगेन लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। वाट इज़ द मैप? मैप इज़ द फ्लैट सरफेस ऑन द पेपर, दिस इज़ द फ्लैट, एंड दिस इज़ द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इन दिस पिक्चर वी कैन नो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ कलरफुल मैप, यू कैन सी देयर इज़ वन थिंग, कलर शोज़ द हाइट, कलर शोज द हाइट, हाइट अबव द सी लेवल। इफ दिस इज़ ग्रीन, इट मीन्स दैट इज़ 150 मीटर्स अबव द सी लेवल। एंड इफ दिस इज़ पर्पल, मीन्स 4500 मीटर अबव द सी लेवल। दिस इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। नाउ दिस इज़ द ग्रीन एरिया, दिस इज़ द गंगा, घाघरा रिवर, गंगा रिवर। This is the green area, it means this is plain, means if you see the picture, all area is not looking same heights, somewhere green, somewhere yellow, somewhere brown, somewhere purple, it means India is not same at every place, means कहीं ये ज़्यादा ऊँचा है, कहीं नीचा है, मीन्स कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डिज़र्ट है, तो इंडिया इज़ नॉट सेम
at every place. This map shows these things. This is the lower area and this is the highest area of India. This show in the purple color. This is actually Kashmir area and this is Himalaya range. Himalaya parvat ka naam aapne suna hoga. Ye Himalaya ka area hai. Thanks for listening. Thank you.